सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पे मैं हूं ओयन, आई एम फ्रॉम कलकत्ता। आई डू अ शो कॉल मसाला नाइट्स जो एवरी डे मंडे टू सैटरडे रात को 9 से 12 के बीच होता है। एंड राइट नाउ आई हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विथ मी। देखो भैया, इंडिया में सबसे मसालेदार चीज है बॉलीवुड एंड नोबडी नोज बॉलीवुड मसाला बेटर दैन मिस मालिनी। शी इज अ डिजिटल इन्फ्लुएंसर, शी इज अ टीवी होस्ट, शी इज एन एंटरप्रेन्योर एंड शी इज अ बेस्ट सेलिंग ऑथर। तो मालिनी, वेलकम टू रेड एफएम। पहली चीज, वर्क फ्रॉम होम कैसा चल रहा है आपका? Hi, this is Malini and thanks so much for having me. मेरे लिए वर्क फ्रॉम होम काफ़ी अजीब लग रहा है क्योंकि एक घर में दो हफ्ते से हम बैठे हैं, तो इट्स वेरी स्ट्रेंज क्योंकि मेरा स्केड्यूल यूजली काफ़ी एक्टिव होता है। आइदर आई एम ऑन शूट इंटरव्यूइंग अ सेलिब्रिटी या फिर मैं ऑफिस में होती हूँ या मीटिंग्स होती हैं, तो आई एम वेरी रेयरली एट होम। ये सबसे ज़्यादा मैंने घर पर टाइम गुजारा होगा 2-3 सालों में। वैसे घर में रह के आर यू ट्राइंग टू लर्न समथिंग न्यू और एनी न्यू थिंग दैट यू हैव इनकॉर्पोरेटेड इन योर रूटीन? आजकल मैंने अपनी रूटीन में काफ़ी कुछ ऐड किया है। नाउ आई गेट अप एंड आई डू अ लिटिल बिट ऑफ योगा या कोई म्यूज़िक वीडियो देख के 15 मिनट का डांस एक्सरसाइज कर लेती हूँ। एंड मैंने थोड़ा सा टाइम निकाला है अपने लिए कुछ किताबें पढ़ने में। ऑफ कोर्स एवरीवन्स बिंज वाचिंग शोज। मैं पजल बनाती हूँ, पेंटिंग भी करती हूँ थोड़ा सा, एंड अपने हस्बैंड और ब्रदर इन लॉ के साथ काफ़ी सारे बोर्ड गेम्स भी खेल रही हूँ। सो ऑल दीज थिंग्स जिनके लिए कभी टाइम नहीं मिलता था, आज तो बहुत टाइम। That's fantastic. वैसे इस लॉकडाउन की वजह से everything has come to a standstill, even in the Bollywood and entertainment fraternity. So how is the industry coping? Can you tell us a little bit about it? इंडस्ट्री भी काफ़ी वर्क फ्रॉम होम कर रही है, बट दे कॉन्ट रियली वर्क दैट मच फ्रॉम होम। मगर आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर काफ़ी कुछ अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं। सलमान खान स्केचिंग और पेंटिंग कर रहे हैं, कटरीना कैफ ने काफ़ी यूजफुल वीडियोज़ भी बनाए थे अपने बारे में, हाउ शी इज़ डूइंग हर डिशेज, और झाड़ू पोछा भी कर रही है। दीपिका पादुकोण ने अपना एक मिनी सीरीज शुरू किया है अपने इंस्टाग्राम पर, वेरियस एपिसोड्स, एंड रिसेंटली उनका काफ़ी क्यूट था अपने लेबल मेकर के साथ। वो अपने सारे किचन में चीज़ें लेबल कर रही थी, ऑल द स्पाइसेस, एंड देन उन्होंने एक लेबल बनाया हस्बैंड और जैसे रणवीर सिंह सो रहे थे उनके सर पे लगा दिया। सो यू आर स्टिल गेटिंग योर बॉलीवुड एंटरटेनमेंट मगर अ लिटिल मोर बिहाइंड द सीन्स। अब आपके बारे में बात करते हैं, सो हाउ डिड यू स्टार्ट योर ब्लॉगिंग करियर? वाज इट अ प्लान्ड डिसीजन और जस्ट ऐसे ही हो गया? सो आई स्टार्टेड माई ब्लॉग इन 2008। उस टाइम पे ब्लॉगिंग नाम की चीज़ कोई थी नहीं, सो नोबडी न्यू व्हाट दैट वाज। सो ये तो एकदम प्लान नहीं था। आई वाज अ बैकअप डांसर सुखबीर के साथ, मैं बैकअप डांसर थी। फिर उसके बाद मैंने एमटीवी में भी क्या काम किया था 9 साल के लिए। मैं एक आरजे थी एक्चुअली, सो इट्स नाइस टू बी बैक ऑन द एयर। और फिर मैं चैनल वी के साथ थी और मिड डे में मेरा एक गॉसिप कॉलम होता था मालिनीज मुंबई। एंड फिर 10 साल बाद अगर आप देखेंगे तो मिस मालिनी करके नाम से एक ब्लॉग अब 10 साल हो गए। आई स्टार्टेड इन 2008, सो देयर वाज नो प्लान। मगर लगता है कि जब सोशल मीडिया शुरू हुआ था एंड लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड लुकिंग एट द डिजिटल वर्ल्ड फॉर कंटेंट, तो एकदम करेक्ट टाइम करेक्ट प्लेस की बात हो गई। बट नाउ आई लुक बैक और मुझे लगता है सारी चीज़ें जो मैंने की लाइफ में दे वर ब्रिंगिंग मी टू दिस पॉइंट, क्योंकि मैंने डांस ट्रूप से टीम वर्क सीखा, मैंने काफ़ी सारे सोशल मीडिया और डिजिटल स्किल्स एमटीवी और चैनल वी में सीखे। रेडियो पर मैंने सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने ये सीखी है, जैसे कि आप भी जानते हैं जब आप किसी से बात कर रहे हैं रेडियो पर, चाहे करोड़ लोग सुन रहे हों, एवरीबडी हैज़ अ वेरी पर्सनल एक्सपीरियंस। उनको लगता है कि ये आरजे बस मुझसे ही बात कर रहे हैं, इसलिए सबके दिमाग में देयर फेवरेट आरजेज आर सो गुड लुकिंग। और यही चीज़ मैंने सोचा कि मैं अपने ब्लॉग की तरफ ले जाऊँ। सो एवरी टाइम आई रोड अ ब्लॉग इट वॉज़ वेरी पर्सनल, जैसे कि मैं हर एक ब्लॉग किसी इंडिविजुअल इंसान के लिए लिख रही हूँ, जस्ट लाइक द रेडियो। सो दैट वॉज द सीक्रेट सॉस। ये यूनिक एस्पेक्ट थी मिस मालिनी की एंड आई गेस इट वर्क वेल। दैट्स फैंटास्टिक। वैसे अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट वुड बी दोज आइडियाज एंड टिप्स that you would like to give to upcoming bloggers, तो आपका जवाब क्या होगा? आजकल ब्लॉगिंग और इन्फ्लुएंसर बनने में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, मगर देर इज़ स्टिल रूम। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप सोचिए कि आप किस चीज़ के बारे में सच्ची बहुत ही पैशनेट है। यू कैन प्रटेंड टू बी समवन। अगर आपको लगता है कि आपको 2-3 ब्लॉगर्स पसंद है, उनकी तरह आप कॉपी करके कॉन्टेंट बनाएंगे, वो आप नहीं कर पाएंगे, इट्स नॉट सस्टेनेबल। ज़्यादातर इन्फ्लुएंसर्स पॉपुलर इसलिए होते हैं बिकॉज पीपल लाइक दर पर्सनैलिटी, दर क्वर्की,
दे डिफरेंट दे यूनिक एंड दे स्टैंड आउट. आजकल इन्फ्लुएंसर्स आप देखते हैं टिकटॉक पे भी, दे ऑल आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दे ऑल हैव सर्टन स्टाइल्स एंड पर्सनैलिटीज़. तो आप अपना स्टाइल और पर्सनैलिटी मेनटेन कीजिए. आप सोचिए कि आप किस चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा पैशनेट हो, वो कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी फूड या ट्रैवल या ब्यूटी या मेकअप या एक्सरसाइज, और उसी चीज़ को आप फॉलो कीजिए. आजकल हम कुछ भी अपना करियर बना सकते हैं, वट एवर वी लव टू डू. तो इट्स अ वेरी वेरी एक्साइटिंग टाइम. एंड अभी आपके पास बहुत टाइम है टू सेट एट होम ड्यूरिंग सोशल डिस्टेंसिंग एंड गिव इट अ रियली गुड थॉट कि मैं क्या कैसा इन्फ्लुएंसर बनना चाहता हूँ या बननी चाहती हूँ, एंड गो अहेड एंड डू इट. वेल दैट इज परफेक्ट एडवाइस. वैसे कैन यू टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट मालिनीज गर्ल ट्राइब, ये शुरू कैसे हुआ था एंड व्हाट इज इट ऑल अबाउट? So Malini's Girl Tribe is a piece of my heart. यहाँ पर आपको मिलेंगी about 40,000 women सारे इंडिया से and somewhere some places around the world. In fact, more than 100 countries की लड़कियाँ हैं Girl Tribe में. यहाँ पर एक community है जो एक safe space है सारी लड़कियों के लिए, क्योंकि आप ही जानते हैं अगर आप normal social media देखें तो लड़कियों को इतना trolling comments मिलते हैं, कोई भी sexist comment या DMs में पता नहीं कुछ उटपटांग सी बातें लोग लिखते हैं. So I wanted to create a safe space जहाँ पर आप कोई भी लड़की हो ज्वाइन कर सकती हैं, अपने सारे फीलिंग्स सारे इमोशंस एक्सप्रेस कर सकती हैं. वहाँ पर हम सब बातें करते हैं, वेदर इट्स टू गो शॉपिंग या मेकअप के बारे में या कोई पर्सनल इश्यूज, मेंटल हेल्थ या डोमेस्टिक इश्यूज भी हैं. और जैसे अभी हम एक टैलेंट शो करने वाले हैं, सी यू कैन कम एंड ज्वाइन. इट्स कॉल्ड द हैशटैग लॉकडाउन टैलेंट चैलेंज, जहाँ पर आप अपने कोई भी स्किल या टैलेंट दिखा सकते हैं और आपके जो भी टैलेंट सबसे पसंद आएगा लोगों को वो फीचर होंगे मिस मालिनी पर. सो दिस lots of fun things. हम एक virtual pajama party भी कर रहे हैं. So just a way to stay together even though we have to social distance. So एक बहुत ही अच्छी community है. So I encourage all the girls who are listening, please come and join Malini's Girl Tribe. I'll be waiting there for you. Well, that's great. But how did it all start? मतलब शुरुआत कैसे हुई इसकी? मैंने Malini's Girl Tribe शुरू किया था बस about a year, year and a half ago. क्योंकि Facebook groups अभी शुरू हुए थे और मैं test करना चाहती थी और मैं सोच रही थी किस चीज़ के बारे में group बनाऊँ, Bollywood या fashion या ब्यूटी. फिर मैंने सोचा कि चलो एक लड़कियों के लिए ग्रुप बनाती हूँ. एंड इट जस्ट टुक ऑफ, इट वाज सो एक्साइटिंग. इतनी सारी लड़कियाँ हो गई हैं फ्रॉम 100 दैट आई फर्स्ट एडेड टू अबाउट 40,000 नाउ. हर रोज़ सारी न्यू लड़कियाँ ज्वाइन करती हैं एंड इट्स वेरी सिंपल, एनी गर्ल कैन ज्वाइन एनी एज, चाहे आप यू नो 17 ईयर्स के हो या 70 ईयर्स के हो. वहाँ पर काफ़ी अलग अलग तरीक़ों की लड़कियाँ हैं, दे डू लॉट्स ऑफ डिफरेंट जॉब्स, सम आर होम मेकर्स, कुछ कॉलेज में हैं, कुछ अपना बिजनेस चलाती हैं, काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स भी हैं. सो इट्स अ कम्युनिटी जहाँ पर आप बहुत सारी लड़कियों के साथ मिलजुल सकते हैं, यू कैन सपोर्ट ईच अदर, हेल्प ईच अदर एंड हैव अ लॉट ऑफ फन. तो मालिनीज गर्ल ट्राइब इस पेज पे व्हाट आर द मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ क्वेरीज एंड प्रॉब्लम्स दैट यू यूजुअली सी पीपल शेयरिंग? तो आजकल गर्ल ट्राइब पे काफ़ी COVID-19 के बारे में बातें भी हो रही हैं, हाउ टू हेल्प पीपल, हाउ टू हेल्प स्ट्रेज, काफ़ी जो डे वेज वर्कर्स हैं उनकी कैसे मदद करें. उसके अलावा काफ़ी लोग बहुत ही अच्छे कमेंट्स और स्टोरीज बता रहे हैं अपने दोस्तों के बारे में, या जो अपने फैमिली में कोई डॉक्टर्स हैं. इसके अलावा मैं काफ़ी सारी स्टोरीज देखती हूँ पर्सनल इशूज़ के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, जो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं. काफ़ी लड़कियाँ ये पूछती हैं कि शादी के बाद वो काम कैसे करें एंड हाउ टू मैनेज देयर वर्क लाइफ बैलेंस, बच्चों के साथ क्या करना चाहिए. अ लॉट ऑफ पीपल आस्क अबाउट ट्रैवल, फूड के बारे में भी पूछते हैं. हम एक गर्ल ट्राइब गर्ल बॉस स्पॉटलाइट भी करते हैं कि अगर आप कोई एंटरप्रेन्योर हो या कोई सर्विस चलाते हो, जैसे कि कोई भी, कुड बी मेकअप, कुड बी टैरो रीडिंग या केक बिजनेस, वहाँ पर आप अपनी एंट्री देके स्पॉटलाइट कर सकते हैं और सारे लोगों को आपके बिजनेस के बारे में पता चलेगा और वहाँ पर आपको काफ़ी सारा बिजनेस भी मिलेगा. सो दिस लॉट्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स एंड मुझे सबसे अच्छी ये स्टोरीज लगती हैं जब लोग बताते हैं कि उनको कोई गर्ल ट्राइब में बहुत अच्छी दोस्त मिल गई या काम भी मिल गया एंड एक बार वो दोस्त बन जाते हैं तो हमेशा के लिए रहते हैं. ओह वाओ, दैट इज सुपर सुपर कूल. वैसे आप तो डिजिटल इन्फ्लुएंसर हो एंड यू आर अ टीवी होस्ट एंड यू हैव मेड अ करियर in entertainment business, lekin aapne jab ye decision liya that this is what you want to do, how did you convince your family? So luckily for me, jab main influencer bani, us naam ka kuch cheesy tha nahi, koi cheez nahi thi influencer karke 2008 mein. Mere parents kafi open minded the, main ek backup dancer bhi thi aur unhone kabhi kuch kaha nahi. Unko lagta tha ki theek hai, acha koi so regular career hona chahiye, to main radio jockey banna chahti thi Delhi mein, magar us time mujhe job nahi mila tha. Fir main Bombay aayi aur fir mujhe mauka mila MTV
साथ काम करने में और चैनल वी और फिर रेडियो स्टेशन में एक आरजेपी थी. और जब मैंने ब्लॉग शुरू किया था वो एकदम हॉबी की तरह किया था, इट वाज नेवर मेंट टू बी अ करियर. मगर धीरे धीरे देखते देखते अब ये मेरा फुल टाइम बिजनेस बन चुका है. 10 साल से मैं ये चला रही हूँ. मेरे कंपनी में 65 लोगों से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ भी हैं. और आज मैं बहुत ही फ़ख्र के साथ बोलती हूँ कि मेरी मम्मी मेरे लिए एक वीडियो सीरीज़ बना रही है मेरे ब्लॉग के लिए, कॉल मम्मी नोज बेस्ट, जो सबको एडवाइस दे रही है एट द एज ऑफ 80 कि वो कैसे डील करे विद सोशल आइसोलेशन एंड सोशल डिस्टेंसिंग एंड ये COVID-19 का जो स्ट्रेस है. सो आई थिंक इट्स वेरी कूल, आई थिंक शी इज़ प्राउड ऑफ मी और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है. वेल इट इज़ सुपर डुपर कूल. वैसे मिस मालिनी एंड मालिनी'स गर्ल ट्राइब मेंबर्स के लिए व्हाट ऑल एक्टिविटीज़ हैव यू प्लान्ड, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स, इसके बारे में थोड़ा बताइए. तो हमारे पास बहुत सारी एक्साइटिंग प्लान्स हैं मालिनीज़ गर्ल ट्राइब के लिए. वैसे तो अभी तो लॉकडाउन है मगर हम फिर भी वर्चुअल पार्टीज़ कर रहे हैं, एक लॉकडाउन टैलेंट चैलेंज भी कर रहे हैं, एक वर्चुअल पजामा पार्टी भी हो रही है. तो आप देखते रहिए, बहुत सारी फन एक्टिविटीज़ होंगी मालिनीज़ गर्ल ट्राइब पे. इसके अलावा हम एक गर्ल बॉस स्पॉटलाइट भी कर रहे हैं जहाँ पर आप अपने बिजनेस के बारे में या सर्विस के बारे में बता सकते हैं और काफ़ी करेक्शंस मिलते हैं आपको यहाँ पर, काम के लिए भी, फ्रेंडशिप के लिए भी, हॉबीज़ के लिए भी. जब ये लॉकडाउन बंद हो जाएगा तो हम बहुत सारे इवेंट्स करने वाले हैं. हम एक एम्बेसडर प्रोग्राम भी शुरू कर रहे हैं. आप जहाँ भी हो दुनिया भर में, इंडिया में या बाहर, हम ढूंढ रहे हैं गर्ल ट्राइब एम्बेसडर्स, यानी कि वो लोग जो हमारे लिए अलग अलग सिटीज़ में इवेंट्स करने में मदद करेंगे. उनको एक स्टाइपेंड भी मिलेगा, काफ़ी कूल मर्चेंडाइज मिलेगा, मौका मिलेगा सेलिब्रिटीज़ के साथ मिलने जुलने में और बहुत सारे फन पर्क्स भी मिलेंगे. तो आप ज़रा देखते रहिए मालिनीज गर्ल ट्राइब पे. अगर आप बनना चाहती हैं एक गर्ल ट्राइब एम्बेसडर अपने सिटी में तो आप ज़रूर एंटर कीजिएगा हमारे साथ. थैंक यू सो मच. वेल दैट्स फैंटास्टिक. थैंक यू सो मच मालिनी फॉर जॉइनिंग अस ऑन रेड एफएम एंड वी विश यू ऑल द हेल्थ एंड लव इन द वर्ल्ड. थैंक यू सो मच. वेल दैट वाज मालिनी अग्रवाल, एके मिस मालिनी, जो कि एक इंडियन डिजिटल इन्फ्लुएंसर है, टीवी होस्ट है, एंटरप्रेन्योर है, बेस्ट सेलिंग ऑथर है. सो इट वाज अ फैंटास्टिक कॉन्वर्सेशन. आई रियली लाइक्ड इट. डू फॉलो हर ऑन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जहां भी सर्च करोगे मिस मालिनी के नाम से वो मिल जाएगी. शी इज वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग पीपल दैट यू विल एवर फाइंड. वेल दिस इज ऑयन साइनिंग आउट फॉर नाउ. तो सुनते रहो सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम. घर से बजाते रहो.